बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया था। जी हाँ, सरकार ने उसके लिए शिक्षकों को एक परीक्षा पास करने को कहा था। इसका नाम है सक्षमता परीक्षा रखा गया था, लेकिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उस फैसले की जानकारी देते हुए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों में अपग्रेड करने के लिए ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें मानना संभव नहीं है। सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में मनमान्य शर्त जोड़ दिए हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के खंड 4 में उपबंधित सक्षमता परीक्षा के लिए 3 जिले का विकल्प देने को कहा गया है। शिक्षकों के दूसरे स्कूलों में जहां तहां पदस्थापन अथवा तबादला करने का नियम बनाया गया है। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा लेने का ऐलान किया है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि सरकार जब ऐसे कठिन शर्तों को नहीं हटाएगी तब तक नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र नहीं भरेंगे। उन्होंने बताया है कि यह निर्णय बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से लिया है। शिक्षक संघ के मुताबिक सरकार शिक्षकों को उनके काम के बदले समुचित सुविधा देने के बजाय दंड देने जैसा काम कर रही है। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने बताया है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने अन्य सभी संघ संगठन तथा संबंधित सभी शिक्षक समुदाय से अपील की है कि वो एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहे और विधान मंडल के अगले सत्र यानी बजट सत्र की तारीख घोषित होते ही संघर्ष के निर्णय से संबंधित रूपरेखा तय कर ली जाएगी। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने यह भी बताया है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ साथ विभागीय मंत्री से तत्काल 1 फरवरी से आवेदन पत्र भरने एवं निर्धारित सक्षमता परीक्षा की तिथि स्थगित करने की अपील की है। तो ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के पहले से 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो लगातार सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात तो सामने आ गई है, लेकिन उन तमाम शिक्षकों को पहले एक परीक्षा पास करनी होगी जो परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। अगर शिक्षक सक्षमता परीक्षा को पास कर लेते हैं तभी उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसे में शत्रुघ्न सिंह ने कह दिया है कि तमाम शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि वो इस परीक्षा का बहिष्कार करें और हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।